किसका होगा राज तिलक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। अखिलेश यादव निकल गए हैं वोट डालने। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सैफई की ये तस्वीरें जहां अखिलेश यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर जानकारी आप रखना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि अमेरिका में जितने लोगों ने वोट दिया था उससे ज्यादा वोटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप के लिए जितने लोगों ने वोट दिया था उससे ज्यादा वोटर उत्तर प्रदेश में एनरोल्ड है। वोट प्रतिशत कितना होता है इस पर रहेगी नजर, लेकिन ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सैफई जहां पर अखिलेश यादव वोट देकर निकले हैं। अखिलेश यादव ये देखिए तस्वीरें, वोट देने के बाद वो बाहर निकल रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच। सैफई में पहन लिए टोपी, लाल टोपी, और दिलचस्प रहा क्योंकि जब राहुल गांधी के साथ वो जॉइंट रोड शो भी करते थे तब भी लाल टोपी पहनकर अपने समाजवाद को उसी टोपी के जरिए लोगों तक पहुंचाने की जरिए। अभी शशि जी आप प्रतीकों की बात कर रहे थे तो देखिए पहन ली टोपी। अब सवाल यही है कि कम से कम ये जो फैमिली फ्यूड पूरा रहा, पारिवारिक झगड़े की लड़ाई का लाइव जो हिंदुस्तान ने देखा, उससे एक अलग किस्म का मोमेंटम भी कई मामले में समाजवादी पार्टी को मिल गया। अखिलेश ने जो टोपी पहनी और आपने जो सवाल पूछा मेरे दिमाग में एक बात उभरी। अच्छा है ना खुद ही टोपी पहन और उतार रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं टोपी पहन उतार रहा है उन पर आरोप। शिवपाल जी तो यही मुगालता रख रहे हैं कि वही उतार रहे पहना रहे। वो मुगालता कईयों को था, वो उन्होंने उनकी टोपी उतार के रख दी उनके हाथ में। देखिए इसके 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 बावजूद अखिलेश आप जब भीड़ देखे उनके चारों ओर और शिवपाल जब निकले थे तब का देख लें, भारी मीडिया की मौजूदगी, जबरदस्त सुरक्षा के बीच, और लगता है आप कुछ बोलने वाले हैं तो क्यों ना जरा सुन लिया जाए कि क्या कहते हैं, क्योंकि इनका दावा अब 300 सीट से कम का दावा तो कोई कर नहीं रहा। 600 सीट ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी हाँ, अब 600 के बाद देखते अच्छा हैं। अच्छा हुआ राजनाथ जी ने नहीं बोला 300 सीटें, हम लोगों को थोड़ा धक्का लगता है। उन्होंने सिर्फ स्पष्ट और पूर्ण बहुमत कहा, मुझे ज्यादा मैच्योर नजर आए। हाँ और ये चूंकि मीडिया की भारी मौजूदगी है, कैमरामैन आगे आ रहे हैं, उनकी तस्वीर नहीं देख रहे हैं आप, लेकिन लाल टोपी ये देखिए अखिलेश यादव, इनका भी बहुत कुछ इस बार दांव पर है क्योंकि मुख्यमंत्री बने, पिछली बार तो जाहिर तौर पर पिता की वजह से बने, इस बार लेकिन उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई और पार्टी के अंदर मतभेदों के बावजूद सबको चीरते हुए आगे बढ़े और पार्टी सिंबल को रिटेन करने में कामयाब रहे। और वही अखिलेश यादव आज सैफई में वोट डालते हुए, उन्हें भी पता है कि ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, 55 सीटें पिछली बार यहां आई थी, अगर इस बार जमीन खिसकी तो ये तीसरे दौर का मतदान परेशानी का सबब बन सकता है। और इसीलिए सैफई के इस मैदान में आज आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं। मैं तो सैफई अभी गई थी जब वहां से हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे थे। सैफई गांव क्या कहिए, तस्वीर पूरी बदल दी गई है जब आप सैफई पहुंचने लगते हैं। हाँ। आपको सैफई देख के नहीं लगा कि हाय ऐसे सारे गांव हो इस देश? बिल्कुल, अरे सारे गांव अगर यूपी के सारे जिले सैफई ऐसे हो जाए तो जन्नत हो जाएगी, जन्नत हो जाएगी, तो बिल्कुल जन्नत हो जाएगी। बल्कि मैं सबसे ज्यादा परेशान तब हुई जब मैं रायबरेली गई और मैंने देखा कि रायबरेली इतने दशकों से वहीं की वहीं खड़ी हुई है, गांव से भी बुरी हालत है और यहां पर सैफई की किस्मत पलट गई। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, सबसे पहले मायावती, राजनाथ सिंह और फिर अखिलेश, तीन दिग्गज। अब सवाल यही है कि किसके माथे पर सजेगा राज तिलक, क्योंकि हर कोई 300 सीटों के साथ दावा कर रहा है। कुछ ही देर में अखिलेश बोलेंगे, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन चूंकि सैफई की बात हो रही थी, आप घुसिए, बड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपको दिखता है, कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह उतना बड़ा स्टेडियम नहीं है लेकिन उसी पैमाने पर बनता दिख रहा है। किसान बाजार, किसान बाजार कितना बड़ा, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल और फिर ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ क्या नहीं है। वहाँ जो ट्रॉमा सेंटर, वहाँ जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल टॉप क्लास का है, जैसे लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है उस लेवल का है। लेकिन सैफई महल का भी जिक्र होना चाहिए, मुलायम महल का नहीं, मैं एक चीज आपको बताऊं, आलीशान जो पारिवारिक महल वहाँ पर है, नहीं लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगी कि जो वो जिसको चाहे महल कहें कुछ कहें, जो हमारे यूपी के राजनेताओं के जिस तरीके के घर और प्रॉपर्टीज बनती हैं उस हिसाब से सैफई तो बड़ा मुझे ताज्जुब होता है उतना बड़ा नहीं है। वो मुलायम सिंह का जो नया घर बना है इटावा में बना है, लेकिन जो सैफई में जो उनके घर हैं और अखिलेश का घर भी है और पूरे परिवार के, अरे सर सब बनाते हैं तो सबको एक्सेप्ट कर लेंगे? वो नहीं बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी को मैंने वोट दिया है। बहुत दिनों बाद आप आए हो सैफई, पता नहीं कौन सी बात कहाँ की जोड़ रहे हो आप, और शायद जो इटावा में दिया होगा वो पूरी बात आपके पास होगी। सर वोट किसको डालते हैं बताया नहीं जाता, आपको बताना क्यों पड़ रहा है सर? आप ही ने पूछा,
कमाल है, आप पूछ रहे हो कि वोट किसको दिया है और फिर हमसे ये पूछ रहे हो कि वोट बताया नहीं जाता है, ये कैसे संभव है? मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने उसके लिए मैंने वोट दिया है। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे तक, मजबूती के साथ बढ़ जाएगी साइकिल। बिल्कुल, हाथ का साथ है तो स्वाभाविक है कि हैंडल के साथ हाथ जुड़ जाए तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। एक नंबर गठबंधन के लिए, एक नंबर कितनी सीटों? मैं ये कह सकता हूँ पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे, लगभग आधा हो जाएगा चुनाव। जब आप शाम को वोट डाल करके खत्म करने के बाद रिपोर्ट मांगेंगे तो लगभग आधा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। देखिए, जितनी सीटें मिली हैं उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी आप देख लेना जब परिणाम आएगा। भीतरघात की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जनता ने मन बनाया है बड़े पैमाने पर, और जब वोट ज्यादा पड़ता है तो इन चीजों का कोई मतलब और महत्व नहीं बनता। आखिरकार जो भाषा और जो हम देख रहे हैं उनका आचरण, लगता है बहुत पीछे चली गई है वो। वो विधानसभा अलग थी, ये विधानसभा अलग है। अगर अलग अलग विधानसभा में अलग अलग बात नहीं कहोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं तो कह रहा हूँ मुझे में कोई तनाव नहीं है, हम तो अब इंतजार करेंगे 11 तारीख का पड़ा माने का। आज नेताजी के साथ नहीं आए? मैं ये कहता हूँ मैं हमेशा वोट डालने आया हूँ, ये तो आपके कैमरे का है कि किसको देख रहे हो किसके साथ। और फिर सफाई में सबको आना है, सब आएंगे, हमने भी वोट डालने हैं, जिन जिनका वोट है सब लोग वोट डालेंगे। नेताजी ने प्रचार किया है शिवपाल जी का दो रैली की, आपके साथ कोई रैली नहीं की, किसी आपके कैंडिडेट साथ रैली नहीं की, ये अंतर क्यों है, ऐसा क्यों? तुम सुबह से लगता है दिल्ली से कुछ खाना वाना खा के नहीं आए हो। सारी दुकानें बंद हैं, दुकान खाना वाना नहीं मिला है तुम्हें, तुम्हारे पास निगेटिव के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें होश ही नहीं है कि नेताजी ने सब साइकिल पे ही वोट मांगा है। आपके साथ कोई रैली शेयर नहीं की, ये भी फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। अगर अलग अलग करें, ज्यादा लोगों के यहाँ पहुंच जाए, ज्यादा प्रचार हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा जगह लोग पहुंचे, क्योंकि जब कम समय में चुनाव होता है और ज्यादा विधानसभाएं होती है तो कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंच जाए। मैं समझता हूँ आप पे कुछ है ही नहीं सवाल पूछने को। मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। धन्यवाद, खत्म सवाल तुम्हारे। अबे इसीलिए तो अखिलेश यादव ये कहते हुए कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी, हमारी ही सरकार बनेगी, और ये कहते हुए कि मुलायम सिंह यादव पर अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो उसे सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है। ये वो स्वरूप है अखिलेश यादव का जो पिछले दिनों हमने एक मुख्यमंत्री के रूप में बनते हुए देखा है। आत्मविश्वास से लबरेज, सामने वाले पर कोई भी कचोटने वाला सवाल आने पर गंभीर रूप से आघात, ये उनका तरीका और एक पैटर्न बन गया है जो हम अखिलेश यादव को पिछले दिनों देख रहे हैं। जल्दी से आप तीनों से एक एक रिएक्शन अखिलेश यादव पर। अखिलेश के साथ मैंने जरा आज फील किया फिर एक बार कि वो मुलायम सिंह और शिवपाल का नाम आते ही वो स्पष्ट कर देते हैं कि मैं अलग हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं, जबकि बाकी दोनों लोगों को कहना पड़ता है नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। अखिलेश अकेले हैं जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को, अपने अलगाव को बिना कहे पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं। नहीं देखिए, ये बात सही, अखिलेश अपने आप को दिखलाना, क्योंकि उनको मालूम है कि आज जो वोट मिल रहा है वो अखिलेश के नाम पे मिल रहा है। वो लोग पिता और चचा साइडलाइन हो चुके हैं और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि लीडरशिप समाजवादी पार्टी की अखिलेश के पास, तो ये कारण है कि वो अपने दिखलाना चाहते हैं
कि मैं अलग हूं उनसे। लेकिन कई लोग जावेद जी मुझे ये फीडबैक देते हैं कि जो लास्ट मोमेंट बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट होता था उसमें शिवपाल को बहुत महारत थी, जिसको विपक्ष ये भी कहता है कि गुंडाई कह लीजिए समाजवादियों की या जो कह लीजिए बूथ लेवल पे, क्या उसकी कमी खलेगी इस बार? बेशक खलेगी, क्योंकि शिवपाल और मुलायम सिंह को, मुलायम सिंह तो 24/7 राजनीतिक हैं और वो राजनीति के बारे में सोचते थे। अखिलेश नई पीढ़ी के हैं, इनके इनका सोच, इनके काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। आज थोड़ा थके और स्ट्रेस दिखे, जिस तरीके से हंसी मजाक मिलजुल के करते थे वो देखिए। उसने सवाल पूछा मुलायम सिंह जी के बारे में, समझ नहीं आया। मैं थोड़ा सा अलग लाइन लेना चाहूंगा। अब तक अखिलेश ने जो भी किया है ऐसा लगता है उन्होंने बड़ा सोच समझ के और बहुत करीने से रणनीति बनाकर किया है, तो उन्होंने बूथ नहीं सोचे होंगे या शिवपाल के बाद बूथ मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा समाजवादी पार्टी में। ये नहीं, ये थोड़ा ये नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा सहानुभूति मुझे लगता है। ठीक है, हो सकता है आपकी बात में, आपकी बात में मुझे एक और चीज लगती है कि शिवपाल कुछ ज्यादा ओवररेटेड थे इस मामले में। और शिवपाल के साथ ये जो कहा जाता था कि शिवपाल अलग होंगे तो सारी पार्टी चली जाएगी, देखिए आज के जमाने में लोग पावर के साथ रहते हैं। ओवररेटेड कोई भी कर दे, लेकिन खुद अपने आप को इंसान समझता है और शायद इसीलिए सीने में जलन आज सुबह साफ साफ दिख गई जिससे हमने शुरुआत की थी। तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और किसका होगा राज तिलक में, सबसे महत्वपूर्ण है किसका दावा कितना है, क्योंकि आज दावों का दौर है, तीसरे चरण का मतदान है। आइए आपको सुनाते हैं, हमने अखिलेश का दावा आपको सुनाया है, मायावती ने कुछ ही देर पहले 300 सीटों का दावा किया है, सुनिए। किन वजहों से मायावती की हम आपको बात सुना नहीं पाए, फौरन दिखाएंगे, क्योंकि मायावती ने कहा कि मेरी रैलियों में जितने लोग आ रहे हैं, मैं मुझे जैसा रिस्पांस मिल रहा है, 300 से ज्यादा सीटें मैं इस बार ला रही हूं। आइए आपको सुना देते हैं, मुलायम सिंह यादव, तीन भाई शिवपाल यादव, चचेरे भाई राम गोपाल और अपने भाई अभय राम, जो इनको आप बहुत कम अभी तक सुने होंगे, लेकिन वो भी आज बाहर निकले तो कहा कि पार्टी को फायदा होगा, कोई झगड़े का नुकसान नहीं होगा। सुनिए अभय राम क्या कह रहे हैं। जब तालमेल हो गया है तो अब उसकी पोस्टमार्टम मत कीजिएगा, तालमेल है और बहुत बढ़िया तालमेल है। पहली बार कोई तालमेल ऐसा हुआ है जिसमें कार्यकर्ता मन से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये इस गठबंधन की सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगा। बयान बगैर, नेता जी कहते हैं कि चर्चा पर्चा खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। नेताजी चर्चा पर्चा खर्चा के लिए कर रहे थे? नहीं नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। देखिए हमारा पूरा चुनाव मैंने जनता पे छोड़ दिया है और हमारा पूरा चुनाव जसवंत नगर क्षेत्र की जनता लड़ रही है। बहुत मेहनत करना पड़ा इस बार, वजह देखिए लगातार मैं तो 5-6 साल मेहनत करते हैं, कोई घर तो बैठते नहीं है, तो आपने देखा होगा मैं तो लगातार चलते ही रहता हूँ, सुबह सुबह 6-7 बजे से अपना रात के 11-12 बजे तक अपना। देखिए हमारे सब ठीक है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर रिश्तों का सवाल क्या। और दूसरी बात है कि यहाँ जसवंत नगर क्षेत्र में ये पहले नेताजी का क्षेत्र रहा, फिर मेरा क्षेत्र हुआ और नेताजी का आशीर्वाद है, नेताजी का साथ और बहुमत की सरकार। सर ये जो समाजवादी पार्टी में परिवार में जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है उसका असर इस चुनाव में देखना पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, आप कुछ नहीं पड़ेगा, अखिलेश मुख्यमंत्री बने कोई नहीं पड़ेगा। तो शिवपाल यादव की जिस तरह से पार्टी में अनदेखी हो रही, जिस तरह से वो एक तरफा वो हुए हैं, आपको लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, हम भाई सब संग है। आपकी बात हुई है हाल फिलहाल में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से? शिवपाल की हमेशा खूब होती रही, क्या वो खुश है जिस तरह की, जिस तरह सिचुएशन टर्न कर रही है, जिस तरह की हो रही है, सब खुश है सब। तो अभय राम यादव ये कहते हुए कि लड़ाई का कोई असर नहीं होगा, जीत हमारी होगी उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर तीनों भाइयों की तरफ से दावा है, लेकिन शिवपाल यादव के माथे की शिकन जो पिछले कुछ महीनों से चढ़ी है उतरने का नाम नहीं ले रही है। राम गोपाल यादव, प्रोफेसर साहब थोड़ी शांति से हैं,
पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल गया, चुनाव में अच्छी तरह से जा रहे हैं, युवाओं, यूपी के लड़के, कांग्रेस के साथ गठबंधन, सब कुछ हो गया है, बाकी तो अब किस्मत पर है। लेकिन तीसरी तरफ अभयराम, वो भी कहते हुए अपनी बातें, मायावती लेकिन क्या दावा कर रही है 300 सीटों का, ये आपको सुना देते हैं। बीजेपी अकेले ही अपनी सरकार बनने के लिए जा रही है और इस चुनाव में बीएसपी 300 के करीब सीटें जीतने के लिए जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर वन पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर वन पर रहेगी। देश की जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, उससे वो तंग आ चुकी है। यहाँ पर अमन चैन और शांति का वातावरण चाहती है। तो मायावती ने किया है जीत का दावा हर कोई कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स यहां पर हैं। गोमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं तीसरे फेज के चुनाव पर हमारी ये विशेष कवरेज। तो तीसरे दौर का मतदान किसका होगा, राज तिलक, आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, गोमती रिवर फ्रंट से। लेकिन दिलचस्प है, दावों के दौर में हर कोई 300 सीटों का दावा कर रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी आज वोट पड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प आई है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। रवि किशन ने पार्टी ज्वाइन कर लिया है। जहां बॉलीवुड के वही अभिनेता जो बॉलीवुड में तो कुछ फिल्मों में बल्कि ज्यादातर आप कह लीजिए कि वो भोजपुरी सिनेमा में काम कर चुके हैं, रवि किशन, तो मनोज तिवारी के बाद अब रवि किशन की बारी है, बीजेपी हमारी है, और बैठे हुए दिख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ, गले में बीजेपी की। बोलिए बोलिए जावेद जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आई होप इनका जो पॉलिटिकल करियर है इनके फिल्मी करियर से बेहतर साबित होगा, ज्यादा सक्सेसफुल। ये दिलचस्प कहा है आपने, लेकिन जो लोग भोजपुरी सिनेमा देखते होंगे वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने दम पर भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ी पहचान है रवि किशन की। हाँ। अच्छी पहचान है, और ये तस्वीर भी शायद टाइमिंग कुछ ऐसी की जा रही है कि यूपी में भी कुछ जगहों पर अगर ये तस्वीर चमक जाए तो चमक जाए। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज आजकल फिल्म स्टार्स को लाला करके जो है अपने कैंपेन में, आजकल क्या ये तो अब की कुछ बरसों से हो रहा है, स्टार्स नहीं आते हैं, ये सारे वही आते हैं जिनको फिल्म में रोल नहीं है। यार मैं इसकी रवि किशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अब महिमा चौधरी टाइप जिनको जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जया प्रदा का जिक्र नहीं किया, जया प्रदा कोई कोई जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं, जया प्रदा तो बेचारी अपने एक ही के साथ लगी रहती हैं, उनको कोई जया बच्चन भी आई हैं इनके यहाँ, लेकिन जिस तरह के आते हैं लोग उनकी कोई जीनत अमान। हाँ। अब उनकी क्या फिल्मी वैल्यू रह गई। रवि रवि किशन के आने का इनको फायदा थोड़ा सा मिल सकता है गाजीपुर और आसपास की बेल्ट में, वो वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। और अभी वहाँ चुनाव होना बाकी है। हाँ। थोड़ा सा प्रचार बाकी है वहाँ पर। हाँ। इसका वो सदुपयोग वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग रवि किशन की भी थोड़ी सही है, और बीजेपी भी उसे लगता है कि अभी कुछ संभावना बची हुई है जिसे पूरा करना है, इसलिए उन्होंने रवि किशन को लिया होगा। अब की दफे सबसे ज्यादा। हाँ। फिल्म वाले आ रहे हैं बहन जी के वहाँ, ठीक, अब की सबसे ज्यादा बीएसपी के आ रहे हैं जो कि पहले नहीं होते थे। आजकल ये चाहे जितने भी राज्यों के चुनाव हो सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो यही बात होती है, चाहे वो राजनीतिक नेता ही हो, जीतन राम मांझी बिहार में, वहां से लेकर जो शुरू हुआ है, अलग अलग पार्टियों से कितने को आप खींचते हैं, बॉलीवुड से कितने को अपनी पार्टी में खींचते हैं, ये भी अपने आप का एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन बन गया है।